हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th के एमसीक्यू। यहां पर हम आज इसका पार्ट वन लेकर आ रहे हैं, यानी कि आज हम इसमें आज चैप्टर एक से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे यहां पर, जो कि ये एमसीक्यू जो है वो हिंदी में होंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस चैनल को और वीडियो को। और ये जो वीडियो है साइंस वाला, ये सीबीएस जो सीटेट का एग्जाम होना है और ये यूपी टेट का एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये यूपीएससी वाले और यूपीपीएससी वाले यानी सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके अभी मैं जो बोल रहा हूं, ये जो साइंस का वीडियो है पर्टिकुलरली अभी जो एग्जाम आने वाले हैं हाल के दिनों में, वो सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम आने वाले हैं, तो एक डेढ़ महीने के अंदर में, तो उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी वीडियो है ये बहुत ज्यादा। तो प्लीज बोलोगे इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग जो है सीटेट वाले अभ्यर्थी भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना मिस करें, वो इस वीडियो को निरंतर देखें तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। चलिए आज इसी क्रम में 9th के एमसीक्यू है, तो 9th में आज हमारा पार्ट वन है, तो आज हम पार्ट वन देखते हैं। पार्ट वन में कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 5 तक हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। चैप्टर नंबर 1 है हमारा हमारे पास के पदार्थ, यानी मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। पहला प्रश्न है इसमें, सामान्यतः पदार्थ द्रव की 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस होती है, ठीक है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता यानी कंप्रेशन काफी कम होता है। देखिए पहला वाला कथन जो गलत है, ठोसों या द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता जो होती है वो काफी अधिक होती है, काफी कम नहीं होती है, इसकी संपीड़ितता काफी अधिक होती है। यानी कि एक गैस, यानी कि अगर आपको किसी सिलेंडर में किसी खाली बर्तन में गैस भरनी है तो गैस ठोस की तुलना में उसमें ज्यादा मात्रा में भरी जा सकती है, मतलब क्योंकि इसमें संपीड़ितता इसकी ज्यादा होती है, जबकि ठोसों की या फिर द्रव की संपीड़ितता कम होती है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, गैसों की संपीड़ितता यहाँ पे ज्यादा होती है, कम नहीं होती है बल्कि गैसों की संपीड़ितता ज्यादा होती है। सेकंड है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ये बिल्कुल सही है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस बिल्कुल तीनों, इनमें तीनों का विसरण संभव है। ये आप देख रहे होंगे किस तरह से ये इसके जो कण होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। आप देख रहे होंगे ठोस के जो कण हैं बहुत ज्यादा निकट हैं और द्रव के थोड़ा हल्का दूर हैं और गैस के काफी दूर हैं। तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, यानी द्रव ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। और इसमें जो इसके मिश्रण बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे विसरण कहते हैं, ठीक है। और द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है, ठीक है। तो यह सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, तो आंसर है बी, केवल सेकंड। सेकंड है, बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताइए कौन से कथन सही है। पहला है, बर्फ का गलनांक 373 के होता है। देखिए पहला वाला ये गलत है, बर्फ का गलनांक जो है यानी कि जो जमने वाला पॉइंट जो बर्फ का है, बर्फ का गलनांक का मतलब ये है जिस ताप पर वो वह गलने लगता है, यानी जिस ताप पर वह जम जाता है, गलनांक का मतलब ये होता है। तो ये जो गलने वाला तापमान होता है ये होता है 273.16 के होता है, 16 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है, जबकि 373 के इसका क्वथनांक होता है, यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल खोलने लगता है यानी उबलने लगता है, 373 के पर जल खोलने लगता है, उबलने लगता है। ये जो होता है क्वथनांक, ये गलनांक नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। तो ये आप याद रखिए, तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड है, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। ये बिल्कुल सही है, बर्फ अथवा किसी ठोस को गर्म करने पर भी उसके जो पूर्ते गलने की तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान जो है एक समान रहता है, यानी कि बर्फ को या किसी ठोस को गर्म करेंगे तो जब तक वह पूरा पिघल नहीं जाएगा तब तक उसका तापमान पूरी तरह से एक समान रहता है, ठीक है। तो यहां पे सेकंड वाला बिल्कुल सही है। यहां पे तीसरा है, बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। देखिए तीसरा वाला गलत है, जो इसकी जल के कणों की ऊर्जा होती है जो गुप्त ऊष्मा होती है, यानी गुप्त ऊष्मा के कारण जो बर्फ के कणों की ऊर्जा होती है वो समान नहीं रहती है, समान तापमान पर जल की कणों की ऊर्जा से कम होती है, अधिक नहीं होती है बल्कि इसके कम होती है। जो गुप्त ऊष्मा बोली जाती है वो जल के कणों की ऊर्जा से बर्फ के कणों की ऊर्जा वो कम होती है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया है कि ऊर्जा से अधिक होती है, अधिक नहीं होती है बल्कि कम होती है ये, ठीक है। तो यहां पे केवल सेकंड वाला सही है, तो आंसर है बी, केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है, निम्न में ऐसे तापमान का ऐसा ही मात्रक कौन सा है। ठीक है, तापमान का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो है केल्विन।
तापमान का एसआई मात्रा केल्विन है। आपको पता होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे जगह कम बच रही है, यहाँ पे दे रहा हूँ 273.16 के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये फारेनहाइट, केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस तीनों तापमान के ही मात्रक हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है एसआई मात्रक, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मात्रक कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो केल्विन ही है, ठीक है। और जो पास्कल है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चौथा है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है। देखिए कोई पदार्थ, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, मैं एक ठोस पदार्थ मान रहा हूं कपूर, आपने देखा होगा कपूर, तो कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है जो द्रव में परिवर्तित हुए बना सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो आपके सामने मैंने ये इमेज लगाया है, इमेज इसलिए लगाया है ताकि आप जान सकें, पढ़ सकें, और ये एनसीईआरटी बुक से इमेज लगाया है कि यानी कोई जब ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और गैस से कोई द्रव जब बनती है कोई चीज तो बनती है संघनन के द्वारा, यानी गैस से या द्रव की अवस्था में पहुंचता है कोई पदार्थ तो संघनन के द्वारा बनता है। द्रव को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाष्पीकरण के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, और द्रव से ठोस में कैसे जम के, और ठोस से द्रव में संघनन से द्वारा यानी पिघलाकर, तो ये प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर कोई पदार्थ यानी कपूर अगर ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो वहां पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया अप्लाई हो रही है, तो यह आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। पांचवा है निम्न में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पांचवे का आंसर है ए, ये काफी बार पूछा गया है और सीटेट यूपीटेट में काफी बार पूछा गया है प्रश्न वाला। छठा है वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया, पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है। देखिए ये दोनों अवस्थाएं मैं बताना चाहूंगा, बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा ये अवस्थाएं हैं, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने एनसीईआरटी का इमेज लगाया है यहाँ पे, एनसीईआरटी बुक का। देखिए प्लाज्मा इस अवस्था में क्या होता है, कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं, और ये कण जो है आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण जो है प्लाज्मा का वो आपका जो सीएफएल होता है घरों में, सीएफएल है, या फिर नियॉन बल्ब में, ये प्लाज्मा के उदाहरण है। नियॉन बल्ब में क्या होता है कि अंदर जो नियॉन गैस होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर ही हीलियम या अन्य कोई गैस भरी होती है, और जब यहां पर जो यानी कि विद्युत इसमें प्रभावित की जाती है तो क्या होता है, इसके जो यानी कि इसके जो आयन होते हैं आयनीकृत हो जाते हैं या आवेशित हो जाते हैं। इससे आवेशित होने की वजह से ट्यूब के अंदर का पदार्थ चमकीला प्लाज्मा तैयार कर देता है, यानी कि इस तरह से चमकने लगता है पदार्थ, तो ये चमकीला पदार्थ ही प्लाज्मा कहा जाता है। इसी अवस्था को वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा नाम दिया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्लाज्मा को। अब आते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है। देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी, और इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई जो अवस्था थी इसकी भविष्यवाणी की थी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, ठीक है। और 2001 में अमेरिका के एरिक कॉर्नेल, उल्फगैंग कैटरेल और कॉल ई बेमेन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में एक नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया है, मतलब नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये पांच अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा को मैंने बताई दिया, प्लाज्मा की आप अवस्था कहां देखने को मिलेगी, सीएफएल ट्यूब में या घर में जो ट्यूब होती है लंबी वाली उसमें देखने को मिलेगी, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पर, इसमें जो दो स्टेटमेंट दिए हैं तो यहाँ पे बताना है कौन सा कदम सही है इनके संदर्भ में। पहला है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, बिल्कुल सही है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में जो है प्लाज्मा का सिद्धांत अप्लाई होता है, तो इसमें प्लाज्मा होता है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। देखिए ये सेकंड वाला गलत है, गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, यानी गैसी स्वभाव के कारण, गैसी अगर गैस का कहीं मिश्रण होगा तो प्लाज्मा में एक अलग रंग की चमक आ जाती है, तो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है, यानी कि सूर्य और तारों में चमक का जो मेन कारण है वो है प्लाज्मा, ना कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल ए। अब आते हैं सातवें प्रश्न पर, सातवां है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है, बाष्पीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बाष्पीकरण के संदर्भ में बताना है,
देखिए पहला है, यह एक सतही परिघटना है। मतलब क्या है, यह सतह पर ही संपन्न होता है, यानी बाष्पीकरण कहां होता है, केवल सतह पर ही संपन्न होता है, कहीं बाहर संपन्न नहीं होता है, केवल सतह सतह की घटना है ये, यानी पृथ्वी की सतह पर ही ये बाष्पीकरण संभव है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसकी दर तापमान आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, यानी कि जो बाष्पीकरण है, बाष्पीकरण की दर क्या है, तापमान यानी किसी एरिया के टेम्परेचर, बाकी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वायु की गति, इन सभी चीजों पर जो है बाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। तो सेकंड वाला भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो तीसरा है, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। देखिए बाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो होते हैं अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषण के कारण जो है वहां पर शीतलता आ जाती है, तो इससे ठंडक भी उत्पन्न होती है। तो तीसरा वाला भी कदम सही है, तीनों ही कदम सही है, तो आंसर है डी, यानी एक दो और तीन। अब आते हैं चैप्टर नंबर सेकंड पर। चैप्टर नंबर सेकंड है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कथन सही है। पहला है, टिंचर आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन को जो है टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जाए कहीं अगर सीटेट या यूपीटेट में, टिंचर आयोडीन में किसका विलयन होता है, टिंचर आयोडीन जो मिश्रण होता है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है टिंचर आयोडीन। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और इस विलयन का जो उपयोग होता है एक रोगाण रोधक यानी एंटीसेप्टिक के रूप में संक्रमण से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी चोट वगैरह के घाव को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टिंचर आयोडीन का, तो आप याद रखेंगे। सेकंड है, बातयुक्त यानी कि एयरटेड पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ये बिल्कुल सही है। बातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोका, तो इन सब तरल विलयों में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा पनपे ना और बैक्टीरिया की गति अवरुद्ध हो जाए, जिससे कि वो लंबे समय तक परिरक्षित बना रहे, तो इसके लिए इसे इन पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड घोल दी जाती है बातयुक्त। ठीक है, तो सेकंड वाला भी सही है, दोनों ही कदम सही है, तो आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। सेकेंड है, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए इससे पहले ये कोलाइडी विलयन की बात करें, हम पदार्थ को जान लेते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव या गैस, ये आपको पता ही होगा। इसमें पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व होता है, यानी सरल पदार्थों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। शुद्ध पदार्थ जो जैसे कि आप लोहा है, लोहा को अब और विभक्त नहीं कर सकते, सोने को और ज्यादा विभक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि सरल पदार्थ हो गई है। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि, ये तत्व कहलाएंगे शुद्ध पदार्थ में। यौगिक कौन से होते हैं, जो कि नियत संगठन, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किए जा सकते हैं, यानी कि यौगिक जिन पर रासायनिक अभिक्रिया करके या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जिन्हें बनाया जाता है, तत्वों को विघटित करके बनाया जाता है, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल है, जल किसका मिश्रण है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, मीथेन है, चीनी है, नमक है, तो ये सभी क्या है, ये यौगिक के उदाहरण है। अब मिश्रण के, मिश्रण की बात हो रही है यहाँ पे, एक शुद्ध पदार्थ हो गया, मिश्रण हो गया। मिश्रण भी दो तरह का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी में क्या होता है, ये समान संगठन होता है, यानी कि किसी चीज का एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाना। विषमांगी का मतलब क्या होता है कि असमान संगठन है, किसी चीज को अनिश्चित अनुपात में मिलाना, ये असमांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो बात है प्रश्न पर, दूसरा प्रश्न है कोलाइडी विलयन के संदर्भ में। ठीक है, पहला है, यह विलयन समांगी विलयन होता है। देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन भी गलत है, यह जो कोलाइडी विलयन है यह समांगी विलयन नहीं होता है। कोलाइडी विलयन जो है समांगी विलयन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो ये जो विलयन होता है ये वास्तव में विषमांगी विलयन होता है। ठीक है, ये समांगी विलयन नहीं होता है, क्योंकि विषमांगी विलयन होता है जो कोलाइड विलयन के कण जो होते हैं विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह विलयन विलयन समांगी लगता है, लेकिन समांगी होता नहीं है, यह विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, सेकंड है, कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ये बिल्कुल सही है। कोलाइडी कण होते हैं, यानी कोलाइड की घटना आपने देखी होगी, कोलाइडी कण जो होते हैं प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल सही है सेकंड वाला। तीसरा है, यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, यानी कि आपने टिंडल इफेक्ट का भी इमेज मैं दिखाऊंगा आगे चल के, आगे प्रश्न में आएगा। कोलाइडी विलयन जो होता है टिंडल प्रभाव का इफेक्ट दिखाता है। टिंडल में क्या होता है कि आपने देखा होगा सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य निकलता है, तो आप देखते हो घरों में छोटे छोटे झरोखे होते हैं, तो झरोखों से एकदम ऐसी इस तरह की रोशनी सी निकलती है, एकदम एक लाइनदार जैसे एक टॉर्च का फॉक्स नहीं निकलता है, ठीक इसी तरह से झरोखों से सूर्य का फॉक्स टाइप निकलता है, तो आप देखते होंगे छोटे छोटे इसमें कण जो है वो आपको दिखाई देते हैं, वायु में उपस्थित कण दिखाई देने लगते हैं, तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये विलयन जो होता है टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, तो तीसरा वाला भी सही है।
दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। देखिए दूध तथा पानी का मिश्रण जो है कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण है और ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो चौथा वाला भी सही है, तो यह आंसर है बी केवल 2, 3 और 4। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, सॉरी तीसरा प्रश्न है हमारा, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन किरणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था ये वहीं पे ये उदाहरण आ गया। यह जो घटना है यानी कमरे के छोटे छिद्र में अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन के किरणों के द्वारा फैल जाती है, तो यह जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। तो यह घटना आप देख रहे होंगे इस तरह से, आप यहाँ पे पेड़ है, पेड़ों के पीछे सूर्य है तो सूर्य की रोशनी आ रही है, तो आप देख रहे होंगे किरण टाइप निकल आई है ये, इसमें हमें छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा इमेज में दिखाई साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो ये घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाती है ये, यानी कि जब यहाँ पे जो जंगल है यानी घने जंगल में जो आच्छादन क्षेत्र है यानी कैनोपी है यहाँ की जंगल की, इसमें सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो जंगल के कोहरे में बसते छोटे छोटे जो जल के कण हैं कोलाइड कणों के समान व्यवहार करने लगते हैं, तो ये घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। चौथा है यहाँ पे, निम्न में से कौन से कोलाइड या कोलाइड्स के उदाहरण है, यानी कोलाइड का इसमें से कौन कौन सा उदाहरण है? देखिए कोलाइड के सामान्य उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ वो है भानों से निकलने वाला धुआं, ये भी कोलाइड का उदाहरण है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम में देखिए फॉर्म होता है, सेविंग क्रीम फॉर्म, रबड़, स्पंज और ये सभी जो है फॉर्म के प्रकार है, तो ये भी कोलाइड के उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा पनीर, पनीर भी जो है पनीर, मक्खन, जेली, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं जेल में, तो ये भी कोलाइड विलयन के उदाहरण है। ठीक है, और इसके अलावा बादल जो है, बादल भी आपका कोलाइड विलयन है। ठीक है, यानी बादल भी कोलाइड का उदाहरण है, ये वाला बादल भी, बादल, कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, स्वचालित वाहन की एग्जॉस्ट का मतलब ये है कि आपने देखा होगा आकाश में दिन के समय जब कोई एरोप्लेन वगैरह निकल के जाता है तो आप देखते हैं पीछे पीछे लाइन सी खिंच जाती है, तो वो क्या होता है, वो एग्जॉस्ट होती है, यानी कि जो स्वचालित वाहन है उसका निथार यानी पीछे की ओर जो थ्रस्ट निकाली जाती है, जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे थ्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, थ्रस्ट पीछे यानी पीछे एक प्रेशर के रूप में धक्के के रूप में जो गैस निकाली जाती है उससे एक लाइन सी खिंच जाती है, तो ये भान का निथार कहलाता है, यानी एग्जॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी कोलाइड का उदाहरण होता है। चारों ही कदम सही है, तो आंसर है डी यानी 1, 2, 3 और 4। पांचवा है, निम्न प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए, यहां पे बताइए कौन से कदम सही है। पहला है इसमें बता रहा है कौन सी निम्न निगित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है। अपकेंद्रण का मतलब यहां अंग्रेजी में लिखा है सेंट्रीफगेशन, सेंट्रीफगेशन यानी कि सेंट्री का मतलब हो गया मध्य में, एकदम बीच में, केंद्र में। ठीक है, और फगेशन केंद्र से अलग होना है कोई चीज को, अब केंद्र विधि कहलाती है। पहला है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, ठीक है ये बिल्कुल सही है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच जब की जाती है तो उन्हें क्या करते हैं, एक गोल गोल पहिया टाइप होता है, पहिया नुमा मशीन होती है उसमें ऐसे फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे करके फिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये पहिया नुमा होता है, इसमें इस तरह से जो परख नली में भर के यानी कि पेशाब या मूत्र को इस तरह से पेशाब जो है या रक्त को इसमें फिट कर दिया जाता है, उसे तेजी से घुमाया जाता है, तो घुमाने से क्या होता है अपकेंद्रण की प्रक्रिया के द्वारा जो रक्त के अंदर अन्य पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं, जैसे और वैसे ही मूत्र के अंदर से भी अलग अलग पदार्थ अलग हो जाते हैं। इसी तरह डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकाला जाता है तो अपकेंद्रण की विधि से मक्खन निकाला जाता है। आप देखते होंगे घर में राई की मदद से वो माँ बहनें जो होती हैं हमारी वो दूध को जब मक्खन को मथती हैं तो क्या होता है घर में क्रीम अलग निकल आती है और जो सेपरेटर सेपरेटा बोलते हैं जो सेपरेटा वर्ड बोला जाता है ग्रामीण भाषा में वो अलग चला जाता है, तो ये अपकेंद्रण विधि से निकाला जाता है, ये भी अब उदाहरण है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी सही है। तीसरा है कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। देखिए कपड़े धोने की मशीन में अगर ड्रायर आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन का ड्रायर आपने देखा होगा, तो क्या होता है उसमें हम कपड़े डाल देते हैं और वो जब गोल गोल बहुत तेजी से गोल गोल जब घूमता है तो क्या होता है जो जल होता है वो जल नीचे की तरफ चला जाता है और कपड़े हमारे सूखे से प्रतीत होते हैं। तो तीनों ही उदाहरण जो है अपकेंद्रण के उदाहरण है, तीनों ही कदम सही है, तो आंसर है डी यानी 1, 2 और 3। छठा है निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। देखिए क्रोमेटोग्राफी से संबंधित कौन सी प्रक्रियाएं हैं ये बताना है आपको। पहला है डाई में से रंगों को पृथक करना। देखिए क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो काली स्याही में विद्यमान डाइयां थी इनका पृथक्करण है, ये देखिए इस तरह से किया गया, कांच की छड़ है, ये कागज का क्लिप है, जार है, छानक पत्र है, स्याही का निशान ये है और जल है, इस तरह से ये निकालने की प्रोसेस है। यानी कि बीच में एक जार ले लिया, जार के साइड में यहाँ पे लगा दिया, दोनों तरफ से लगा दिया कागज नुमा एक और जार सा फिट कर दिया है और इसमें कोई चीज डाली गई है, तो ये क्रोमेटोग्राफी के द्वारा काली स्याही में विद्यमान जो डाइयां थी उसे अलग किया गया है। ठीक है,
पहला है डाई में से रंगों को पृथक करना, ये बिल्कुल सही है। एक क्रोमेटोग्राफी में किसी मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि है और इस विधि को रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप ये समझ लीजिए क्रोमेटोग्राफी विधि जो यूज होती है वो रंगों को पृथक करने में यूज होती है, ठीक है, रंगों को पृथक करने में इसे यूज किया जाता है। और यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के ब्लैक में घुले होते हैं, ठीक है। तो पहला है डाई में से रंगों को पृथक करना, ये बिल्कुल सही है। डाई जो होती है, डाई बोली जाती है, तो डाई में से रंगों को अलग करती है। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, यानी पिगमेंट एक पदार्थ होता है प्राकृतिक रंगों में, तो पिगमेंट को भी यह पृथक करती है प्राकृतिक रंगों में से, ठीक है। तीसरा रक्त से नशीले पदार्थों या ड्रग्स को पृथक करना। देखिए रक्त से, जैसे रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, यानी कि शुद्धिकरण आपने देखा होगा, जब मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब जो आपकी जो लगती है, जब हमारे ब्रक खराब हो जाती हैं और ब्रक खराब होने के बाद यानी कि हमारी किडनियां जब काम करना बंद कर देती हैं, किडनियां जब काम करना बंद कर देती हैं तो उसके बाद जो दी जाती है थेरेपी लगाई जाती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जवान पर है लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो उस थेरेपी में भी यही किया जाता है कि रक्त से जो गंदगी होती है वो क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा उसे पृथक कर दिया जाता है, ठीक है, शुद्ध रक्त को दोबारा शरीर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। चौथा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। देखिए चौथा वाला गलत है, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना ये क्रोमेटोग्राफी में नहीं आता है। क्रोमेटोग्राफी में केवल द्रवों को अलग किया जाता है, द्रवों यानी द्रवों में जैसे रंगों को मोस्टली पृथक किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में। तो यहां आंसर है केवल 1, 2 और 3। सातवां है निम्न प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं, यानी क्रिस्टलीकरण विधि के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं ये बताना है। पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक शुद्ध करना। देखिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को बिलियन से पृथक किया जाता है, यानी क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध ठोस बिलियन होता है उसे शुद्ध ठोस होता है उसे बिलियन से अलग करते हैं। तो समुद्री जल से नमक को शुद्ध करना ये भी क्रिस्टलीकरण विधि का एक उदाहरण है। सेकंड है नमक से कपूर को पृथक करना है। देखिए ये सेकंड वाला गलत है, नमक से कपूर को पृथक करना ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा होता है, नमक से कपूर को अलग करने का प्रक्रिया, ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, ये क्रिस्टलीकरण का उदाहरण नहीं है। तीसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, ये बिल्कुल सही है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को जब पृथक किया जाता है तो ये क्रिस्टलीकरण विधि से पृथक किया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चौथा है वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। देखिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा वाला भी गलत हो जाएगा, चौथा वाला क्रिस्टलीकरण से प्रयोग से अलग नहीं की जाती है गैसें बल्कि प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग की जाती है। तो यहाँ आंसर है केवल 1 और 3 सही है, यानी कि बी केवल 1 और 3, यानी क्रिस्टलीकरण के केवल 1 और 3 उदाहरण है यहाँ पे। आठवां है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। देखिए ये मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताए थे, उत्क्रमणित और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी मैंने डिटेल में पढ़ाए थे आपको, ये क्लास 7th की किताब में मैंने अच्छे से पढ़ाए थे, तो मैं डिटेल में यह बताना नहीं चाहूंगा। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया भी है साथ ही साथ भौतिक प्रक्रिया भी है, यानी कि भौतिक का मतलब क्या होगा मोमबत्ती का मोम पिघल रहा है, रासायनिक का मतलब क्या है कि मोम अपने आप जल रहा है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं हैं, यानी भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन इसमें हो रहे हैं, ठीक है, मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया में। तो यह आंसर है सी यानी ए और बी दोनों। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 है हमारा परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला है द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह बताना है यहां पर कौन से कथन सही हैं। आंतवा एल लवाई जीए तथा जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के नियमों से है, ये बिल्कुल सही है कि आंतवा एल और जोसेफ एल प्राउस्ट ये दोनों ही रासायनिक संयोजन के नियमों से संबंधित है और इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया है। इसके अलावा स्थिर अनुपात का नियम भी इन्होंने दिया है, तो ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया है, यानी कि लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है, इसके अलावा स्थिर अनुपात का नियम भी इन्होंने प्रतिपादित किया है। सेकंड है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, ये बिल्कुल सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को हम बना सकते हैं, यानी ना तो द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, तो ये सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है यहाँ पे कथन। और तीसरा है स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक में एक जो तत्व है वो एक सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं, इससे ज्यादा और ना ही इससे कम मिलेंगे आप।
आपको, तो तीनों ही कथन यहां पे बिल्कुल सही है, तो यह आंसर है डी, यानी एक दो और तीन। सेकंड है, निम्न में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए सन 1808 में, टाइम याद कर लीजिए, सन 1808 है, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु जो है वो अविभाज्यकरण होता है, यानी कि उसे किसी से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता जो थे वो जॉन डाल्टन थे, और इन्होंने 1808 में दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, तो यह आंसर है बी। तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताइए कौन से कथन बिल्कुल सही है। पहला है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृत प्रदान करती है। बिल्कुल सही है। देखिए IUPAC के बारे में आप पढ़े होंगे 10th में, और 9th में भी आएगा, 9th में ही आ गया ये टॉपिक। ठीक है, NCERT में 9th में ही है, वैसे 10th में है ये। तो IUPAC की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सब देशों के वैज्ञानिक थे अलग अलग नाम रखते थे तत्वों के, तो क्या होता था उसमें उन तत्वों को समझने की, यानी एक दूसरे देश में फिर समझने में दिक्कत होती थी। किसी तत्व की कहीं खोज हुई, किसी ने अलग नाम रख दिया, हम उसे अलग नाम से जान रहे हैं भारत में, तो क्या हुआ, इन सब के लिए एक मीटिंग की गई जेनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड के पास जेनेवा पड़ता है जर्मनी में, तो वहां पर एक मीटिंग हुई थी जिसे IUPAC कहा गया, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बोला जाता है। इसमें रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि एक प्रणाली जारी की गई थी, एक प्रणाली के तहत रासायनिक तत्वों के नाम इसमें रखे जाने थे, जिससे कि हर जगह यानी सभी कंट्रियों के जो वैज्ञानिक है वो आसानी से उन्हें पहचान रिकॉग्नाइज कर सके, यानी उन्हें आसानी से पहचान सके। सेकेंड है, कार्बन के समस्थानिक आइसोटॉप C12 को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है। ये बिल्कुल सही है, 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 यानी कि C12 को समस्थानिक को मानक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। और जो कार्बन का जो C12 जो समस्थानिक है के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/2 भारे में भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं, यानी कि इसके 1/2 भारे जो भाग है इसके इसे मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में लेते हैं। C12 जो समस्थानिक है ये एक परमाणु के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में इसमें प्राप्त किए जाते हैं, ये इसकी परिभाषा थी यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड वाला भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022×10³³ होता है। देखिए सेकंड वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है। इसका जो मान है वो 6.022×10³³ होता है, ना कि 10³³, तो ये याद रखिए। ठीक है, तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, इसका 10³³ होता है, ना कि 23 होता है, सॉरी 10³³ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तो आंसर है एक, केवल एक और दो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। पहला है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे सूची एक यानी आविष्कार और आविष्कारक दिए गए हैं, यहाँ पे ये बताना है किसने किसका आविष्कार किया है। न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जो की थी ये की थी सर जे जे थॉम्सन ने, सॉरी न्यूट्रॉन की गलत बोल गया, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे थॉम्सन ने, यानी जे जे थॉम्सन या जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1906 में। ठीक है, 1906 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज जो की थी वो की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन की खोज जो की गई थी वो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, सॉरी मैं फिर गलत बोल गया, प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। जो गोल्डस्टीन थे इन्होंने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिन्होंने इसे कैनाल रे का नाम दिया, तो ये कारण है धनावेशित विकिरण थी जिन्हें बाद में प्रोटॉन की कणों की जिनसे बाद में प्रोटॉन कणों की खोज हुई थी, तो ये मुख्य रूप से मैन माने जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन कणों की खोज के लिए तो ये थे ईल गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और रदरफोर्ड ने जो व्याख्या की है वो नाम की भौतिकी के जनक माने जाते हैं ये, तो परमाणु नामक की व्याख्या इन्होंने की थी ई रदरफोर्ड ने। तो यहाँ आंसर है ए, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। सेकंड है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताइए कौन से कथन सही है। पहला है,
परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे.जे. थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये बिल्कुल सही है, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला जो मॉडल था जे.जे. थॉमसन के द्वारा दिया गया था, ये पहला वाला कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे। सेकंड है नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। ठीक है, नील्स बोर यानी 1922 में नील्स बोर को परमाणु संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने अपने लेखों पर जो है अपने जो लेख प्रस्तुत किए थे और रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने त्रुटियां निकाली थी। क्या क्या त्रुटियां थी? ठीक है, तो नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो यह सेकंड वाला भी सही है या पहला दूसरा दोनों ही सही है, तो आंसर है सी यानी एक और दो दोनों। तीसरा है निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। देखिए ये प्रश्न काफी बार पूछा भी जाता है, ये काफी बार पूछा भी जाता है कि किस में से न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है यानी कौन से तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन इसमें अनुपस्थित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है और अन्य छोटे मोटे एग्जामों में काफी बार ये पूछा गया है। ये मैं बताना चाहूं सीटेट यूपीटेट में भी पूछा गया है ये निम्न में से न्यूट्रॉन किन में अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। चौथा प्रश्न है परमाणु के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताइए कौन से युग्म सही सुमिलित हैं। पहला है संयोजकता, देखिए किसी परमाणु की संयोजन शक्ति उस परमाणु की संयोजकता होती है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, देखिए ये कहते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कुल योग होता है। ठीक है, उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या कहलाती है। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की कुल संख्या नहीं होती है बल्कि प्रोटोनों की कुल संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों का योग किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो तीसरा वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। इसमें परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटोनों की संख्या होती है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग होता है। ठीक है, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल एक। पांचवा है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, यदि दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाएगा? यदि उनकी परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहली वाली कथन बिल्कुल सही है यानी पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो ऐसे समस्थानिक कहलाते हैं। अब आता है संभारिक, संभारिक क्या होता है? देखिए संभारिक में मैं यही बता दे रहा हूं, संभारिक वो होती हैं जिनके परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें संभारिक कहा जाता है। ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होती है तो उन्हें संभारिक कहते हैं। छठा है निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक इसमें कौन कौन से बताने हैं। पहला है प्रोटियम, देखिए प्रोटियम हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के पहली बात याद रखिए कि हाइड्रोजन के टोटल तीन समस्थानिक होते हैं जिसमें प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है जिसे भारी जल के रूप में जाना जाता है D2O, ड्यूटीरियम बोला जाता है जिसे भारी जल भी बोला जाता है, और ट्राइट्रियम है। ठीक है, ट्राइट्रियम भी है, ये तीन समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो यहां आंसर है डी यानी एक तीन और चार। सातवां है समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताइए कौन से युग्म सही सुमिलित हैं। पहला है यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो यूरेनियम का समस्थानिक होता है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। आपको पता होगा यूरेनियम एक क्या है, एक जो है एक परमाणु ईंधन है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इससे जो परमाणु भट्टियां होती है यानी कि जो विद्युत बनाने के संयंत्र है इसमें इसका उपयोग होता है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार करता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये प्रश्न काफी बार पूछा भी जाता है और मैंने यूपीपीएससी का 1999 का पेपर देखा था उसमें पूछा गया था कि कोबाल्ट का प्रयोग कहां करते हैं। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है इसका प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। आयोडीन का जो समस्थानिक इस हिसाब से सेकंड वाला भी सही है, और आयोडीन का समस्थानिक जो होता है वो गहंगा रोग के उपचार में उपयोग होता है, तो तीनों ही कथन यहां पे सही है, तो आंसर है डी यानी एक दो और तीन।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिए, और आप लोग इस वीडियो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि काफी सीटेट के अभ्यर्थी और यूपी टेट के अभ्यर्थी बार बार इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें साइंस के वीडियो नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, एनसीईआरटी साइंस के काफी लोग पूछ रहे थे, मुझसे भी पूछ रहे थे कि सर एनसीईआरटी साइंस कहां से कवर करेंगे, कहां हमें मिलेंगे, कहां मार्केट में नोट्स है नहीं इस तरह के, तो मैं उन सभी को यही रेफर कर रहा हूं, आप मेरे वीडियो देखें, आपका साइंस वाला कोर्स बिल्कुल छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे हैं मेरे, और साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, फिर तो मैं 100% 100% शर्त लगा सकता हूं कि आपका साइंस का पोर्शन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और कुछ भी आपकी शंकाएं हैं या कोई बाधाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, जिससे कि मैं आपकी बाधाएं या शंकाएं दूर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।